हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। फिर आज क्या गिफ्ट लाए मेरे लिए? गिफ्ट? तो गिफ्ट की फिक्र क्यों कर रही है? शाम को आने तो थे मेरे को काम पे से वापस। तो हम मूवी देखने चले। मूवी देख? मूवी देख के क्या फायदा? एक सीट छोड़ के हमें बैठना पड़ेगा। हाँ कहीं घूमने। शाम को देखते हैं। ठीक है, चलो काम कर। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही यार? गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है यार? सलमान भाई जरा आओ ना, जरा गाड़ी देखो, स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या बोले यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है भाई, पूरा धक्का मार के लाया, पूरे कमर लचक गई है भाई। चेक करो ना यार गाड़ी। चेक कर लो, मैं तुम्हारा डिक्की खोल के देता हूँ। ठीक है, ये देख लो क्या हो रहा है भाई। अरे भाई आपके इंजन का तो पूरा वाट लग गया है। क्यों, क्या हो गया? पूरा ऑयल ऑयल सब खत्म है इसमें। अरे अरे अरे, आगे भी चेक करना पड़ेगा और क्या क्या फॉल्ट है। भाई स्टार्ट ही नहीं हो रहा भाई। हाँ, इसका ब्रेक भी चले गया है। अच्छा, ब्रेक व्रेक सब चले गया है। ओहो, क्या करेगा, बनवाना पड़ेगा आपको। कितना खर्चा आएगा? कुल मिला के 2500 तक आ जाएगा। ए भगवान, 2500? आपका इंजन का भी गया है। हाँ, ब्रेक का भी गया है। हाँ, और स्टार्टर भी चले गया है। अरे बाप, और बनाएंगे तो और फोल्ड आएगा उसमें। चलेगा, बनाने ले लो फटाफट। ये लो, ये आखिरी पूंजी पड़ी है मेरी, ले लो। कितना है गिन लो भाई, इतने में हो जाएगा। रुपया है ये, 500 कम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप करो कुछ, आप काम शुरू करो, बाकी कुछ कम ज़्यादा पड़ता तो मैं देता हूँ। ठीक है, गाड़ी बनवाने के बाद दे देना भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बेफिक्र रहो। ठीक है, हेलो। हाँ, कहाँ हो आप? क्या हुआ? क्या, मैं वहीं पे आ रही हूँ। कहाँ हो? अभी हूँ, मैं गैरेज से निकल के अभी इधर आया हूँ, नागरदास पे। नहीं, तू क्यों आ रही है? तू माता नहीं। अच्छा ठीक है, आजा आजा, चल। हाँ, कुछ नहीं हुआ, तू बैठ अंदर आके। क्या हुआ, इतने नाराज क्यों बैठे हो? तो क्या करूं, जितना पैसा बचा था आज सब खर्चा हो गया। गल्ले में से 20-30 रुपए बचा है अभी। सोचा था तुझे आज सरप्राइज दूंगा, तेरा बर्थडे है तो। इतने दिन से खुश था मैं, छे मेरा किस्मत ही फूटी हुई है। अभी कितना है तुम्हारे गल्ले में? 20 या 30 रुपया ही है। बोल रही हूँ, ले चलो। हाँ चलो, ले लो। ये पेस्ट्री कितने का दिया? 20 रुपया। अच्छा 20 का, ठीक है, ये पैक करके दे दो मुझे एक पेस्ट्री। ठीक है, हाँ।
मारो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर सोनल, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या टेस्टी केक है यार, रियल में थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं बोलना चाहिए, थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि आज आपने एहसास दिलाया कि एक किलो केक खाने से अच्छा इस 50 ग्राम केक में भी उतना ही मजा है जितना एक किलो के केक में है। हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। अगर हम एक किलो का केक भी लाते ठीक है, तो आस पड़ोस में बांट दिए होते, आस पड़ोस में भी अगर एक हिसाब से बांट दिए होते तो वो लोग भी पीठ पीछे फिर गालियाँ ही देते हमें के कितना इतना सही पीस दिया, तो ये देखो हम को इतना ही पीस दिया। इससे अच्छा है कि 50 ग्राम वाली केक में हम दोनों फुल एंजॉय कर लिए, अच्छा है। मैं सोचा था कि आज पूरा सेलिब्रेट करना है, खाना पीना सब रखना है, ये करना है, नहीं वो सब नहीं, वही मैं बाद में मुझे ऐसा जो कि ये सब चीज़ है इतना बड़ा करें। हाँ। एक छोटा सा भी करते हैं पार्टी जैसे। हाँ। एक छोटा सा भी केक लाकर हम सेलिब्रेट करते हैं तो वही खुशी मिलती है। अच्छा, तो तेरी सोच अगर यहाँ तक है तो एक बात बता फिर, ये जो लोग मुंह पे अलग से केक लगाते, एक केक तो काटने के लिए लाते, एक केक मुंह पे लगाने के लिए लाते, तो उस चीज पे तेरा क्या कहना है फिर? मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे लगता है वो तो वेस्ट है। ओके, इससे अच्छा है कि वो खाए पिए एंजॉय करे, उस चीज की वैल्यू करे। इतनी कॉस्टली चीजें लेकर आते हैं, स्प्रे मारना, मुंह पर केक मारना, किसी को तकलीफ होता है, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, इससे अच्छा वो केक हम सब में बांट कर खाए, भले से वो ज्यादा हो या कम हो, उसे अच्छे से प्यार से सेलिब्रेट करना चाहिए। बराबर समझे? तो आप लोग भी याद रखें कि छोटी बड़ी बड़ी खुशी से होने से अच्छा एक छोटी खुशी भी होती है। और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके सो